प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बढ़ते संक्रमण के बीच सीबीएसई बोर्ड ने बुधवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी। वहीं 1 जून को हालात की समीक्षा करने के बाद 12वीं की परीक्षा कराने पर विचार होगा। हालांकि परीक्षार्थियों को परीक्षा से 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद बोर्ड के बनाए गए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस पर छात्रों को मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मार्क्स से वो संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस होता क्या है, कैसे सीबीएसई इसका इस्तेमाल करके 10वीं के छात्रों को नंबर दे सकता है। आपको बता दें कि कोरोना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। इस महामारी को देखते हुए इंग्लैंड ने इस साल सालाना ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। वहां भी स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग से एक प्रोसेस डेवलप करने को कहा था, जिसके जरिए वहां टीचर्स ने बच्चों को प्रोजेक्ट और दूसरे तरीकों से बच्चों का मूल्यांकन करके उनका रिजल्ट तैयार किया। दरअसल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में कई पॉइंट्स के जरिए छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन यानी असेसमेंट का एक तरीका है। इसमें शैक्षिक संगठन की तरफ से इस बात की असेसमेंट की जाती है कि छात्रों को आखिर पूरे साल क्या सिखाया गया। अब सीबीएसई ने भी कहा है कि जल्द ही 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ इस तरह से तैयार होगा जिससे छात्रों का पूरी तरह से इनसाइड असेसमेंट किया जा सके। इस प्रोसेस में बोर्ड एक या एक से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करके छात्रों का स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन करेगा। इसमें प्रभावी मूल्यांकन के लिए छात्रों के कौशल और बीते साल सिखाए गए विषयों को रिजल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।